मिर्जापुर से। नगर के कचहरी घाट पर छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चार दिवसीय छठ पूजा के सबसे पहले दिन व्रत रखने वाली महिलाओं ने स्नान करके नए कपड़े पहनकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। नगर के कचहरी घाट पर छठ पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठी व्रती दिन भर निर्जला उपवास करके और शाम को आंवला चावल और गुड़ की बनी खीर रोटी छठी मैया को अर्पण करके उनका प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे तक निर्जला उपवास शुरू करेगी। नहाने खाने के साथ आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। चार दिवसीय छठ उत्सव के पहले दिन व्रत रखने वाली महिलाओं ने स्नान कर नए कपड़े पहनकर छठ मैया की पूजा की एवं व्रती महिलाओं ने कद्दू की सब्जी चने की दाल और भात का प्रसाद ग्रहण किया। मिर्जापुर से लौकू साधारण की रिपोर्ट। अभी ये छठ की मान्यता यही है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए उनकी दीर्घायु कामना के लिए सब लोग व्रत रहते हैं। 3 दिन का व्रत होता है और बहुत अच्छा से मनाया जाता है। कौन से घाट पे आई हैं? हम इसमें कचहरी घाट पे आए हैं। सुरक्षा की बात करें तो क्या आपको पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं? हाँ, यहाँ पर तो पुलिस वाले थे, अभी तो थे ही, और सुरक्षा भी है, नीचे गए। हाँ, अभी नीचे भी है लोग। अच्छा, इतनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, ये गंगा के पास आई हैं, गंगा के निकट क्या करती हैं? गंगा के निकट भैया वो बेदी बनाती हैं सब लोग, और इसे क्या नाम, वहीं पर अपना पूजा सब सिंदूर उंदूर लगा के सारा डाल और फल, और वहाँ पर सूर्य जब अस्त होते हैं तो उनका अर्घ दिया जाता है। फिर इसके बाद सुबह में भी जब सूर्य उदय होंगे तब भी अर्घ दिया जाएगा। देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, हम इस समय पक्के घाट पर उपस्थित है। यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी चल रही है और ये पूजा तो मेन बिहार का है पर अपने मिर्जापुर में भी बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। आइए हम इस पूजा के बारे में कुछ महिलाओं से जानते हैं, ये पूजा कैसे होता है और क्यों किया जाता है। अच्छा, ये पूजा क्यों मनाया जाता है? ये बाल बच्चा के लिए मनाया जाता है। कैसे करते हैं आप, पूजा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। आखा करते हैं। हाँ, उसके बाद? उसके बाद बिहारों का सहते हैं, लोहंडा करते हैं, रात के पूजा करते हैं घर के। अभी क्या किया है आपने? बच्चे के लिए अर्घ दी है। हाँ, और फिर अर्घ देते हैं संध्या में। अच्छा, तो आज अभी कुछ खाएंगी कि नहीं? अभी आप लोग पहले सुबह आएंगे यहाँ पर भोर में 5 बजे। नहीं, बोलिए आज भी भोर में यहाँ आएंगे, आज कुछ नहीं खाएंगे, पानी तक खाना तक नहीं आ रहे। ये 4 दिन का पर्व है, जिसे पहला होता है नहाय खाय होता है, और दूसरे दिन लौंडा होता है, तीसरे दिन शाम का अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन सुबह का अर्घ दे के फिर वो पारण करेंगी। तो कल सुबह कितने बजे आप लोग आओगे यहाँ? सुबह हम लोग 4-5 बजे आ जाएंगे। 5 बजे 4 बजे से लेके वो कष्टी देंगे, उसके बाद फिर अर्घ देंगे। फिर उसके बाद आप भोजन कर सकती है यहाँ से घर जाने के बाद।